तो फ्रेंड्स आज हम बनाने वाले तीन तीन बम, हाँ जी तीन नहीं चार बम, सॉरी हम चार बम बनाने वाले, एक आलू बम, एक बिजली बम, एक अनार और चक्री, मतलब मेनली जो अपने बम होते हैं सारे बनाने वाले हैं, वो भी मार्चिस की मदद से यार, सिर्फ एक रुपए के अंदर। एक रुपए की तो मार्चिस आती है वैसे भी। सबसे पहले मैंने मार्चिस का जो बारूद होता है उसे हाथ की मदद से निकाल लिया। आप किसी प्लास या किसी और चीज की मदद से निकाल सकते हो। सारा बारूद निकालने के बाद अब हमें क्या करना होगा, एक बॉक्स को ले लेना होगा, मतलब अपनी मैक्स बॉक्स को ले लेना होगा और उसे हाफ कट कर लेना होगा। वैसे आलू बम बनाना बहुत ज्यादा है, लेकिन आप मेरे तरीके से बनाओगे तो बहुत बढ़िया तरीके से वर्क करेगा। तो मैंने फटाफट से यहाँ पे मैच बॉक्स को आगे कट कर लिया है। आप एक के ऊपर दूसरा मैच बॉक्स इस तरीके से लगा देंगे ताकि उसका एक छोटा मैच बॉक्स रेडी हो जाए। फिर उसके अंदर बारूद डालने के बाद मैंने एक खराब बम का फ्यूज लगा दिया, मतलब जो फुस्सी बम होता है उसका फ्यूज लगा दिया है। अगर आप घर में फ्यूज बनाना चाहते हो तो आप चैनल में जाके वीडियो देख सकते हो। अब उसके ऊपर थोड़ा टेप लगा दिया सिक्योरिटी के लिए, और ये मैंने एक रस्सी ली है पतली सी, इसको इससे क्या होगा थोड़ा बम कंफर्टेबल लगेगा, इसके ऊपर ग्रीन पेंट कर दूंगा और भी बढ़िया लुक देने के लिए। तो आप चाहे तो ग्रीन पेंट नहीं भी कर सकते, तो आइए इसे टेस्ट कर लेते हैं। तो आप देख ही सकते हैं, तो आपने देख ही लिया होगा यार ये कितनी बढ़िया बना लेते हैं अगले बम को। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे दोबारा ही मार्चिस का यूज करा है। सबसे पहले मैंने मार्चिस का जो है दोबारा बारूद निकाल लिया। इतना सारा बारूद निकालने के बाद उसे पेन की मदद से पतला करना जरूरी है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो मैंने फटाफट से उसे पतला कर दिया है। पतला करने के बाद अब आपको एक पेपर का पतला सा रोल रेडी कर देना है, मतलब बिजली बम बना रहे हैं हम यहाँ पे, तो पतला सा रोल मैंने रेडी कर लिया फटाफट से बिजली बम साइड का। फिर उसके अंदर एक छोटा सा पेपर डालना होगा जिससे बम का प्रेशर क्रिएट हो सके और वो मतलब बम हमारा अच्छी तरीके से फट सके। फिर उसको पेन की मदद से अंदर अच्छी तरीके से दबा देना होगा आपको मेरी तरीके से। दबाने के बाद अब आपको क्या करना होगा, उसके अंदर जो हमने बारूद बनाया था उसे खाली कर देना है। तो मैंने फटाफट से सारा बारूद खाली कर दिया है। बारूद खाली करने के बाद एक बॉम्ब का फ्यूज उसमें लगा देंगे और फिर यहाँ पर हमारा रेडी है। अगर आपको फ्यूज बनाना है तो आप चैनल में जाके देख सकते हो। तो आप देख सकते हो बॉम्ब बढ़िया तरीके से बटा। अब हम बना लेते हैं अनार को। उसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे बारूद निकालना नहीं है, उन्हें कट करना है। आगे वाला जो छोटा सा होता है बारूद का हिस्सा उसे कट करना है। इसी तरीके से मैंने सारे कट कर लिए फटाफट से। कट करने के बाद इसके ऊपर मैंने दो बॉम्ब का जो बारूद होता है वो निकाल लिया है। आप कोई भी बॉम्ब का बारूद ले सकते हो। फिर इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे और फिर एक पेपर का कोन शेप रेडी कर लेंगे अनार की शेप का। रेडी करने के बाद जो उसका नीचे का पार्ट होता है उसे कट कर लेंगे, क्योंकि फालतू का पार्ट होता है। कट करने के बाद बराबर हो जाएगा, सारा बारूद उसके अंदर फिल कर देंगे। फिल करने के बाद हमें पेपर और एक कार्डबोर्ड लगा देना है। इसको बनाना बहुत ज्यादा इजी है यार, अनार को कुछ नहीं करना है, बारूद डालना है और फ्यूज लगा देना है। अब मैं ऊपर कट करके एक बम का फ्यूज लगा देता हूँ। अभी भी मैं आपको बता रहा हूँ फ्यूज बनाना है, तो चैनल में जाके आप देख सकते हो। तो आप देख सकते हो अनार कितनी बढ़िया तरीके से वर्क करा। अब हम बना लेते हैं अपनी चक्री को। उसको बनाने के लिए मैंने यहाँ पे बिजली बम का यूज करा, जो मेरे को एक रुपए के दो मिल गए। आपके यहाँ कितने के मिलते हैं मेरे को जरूर बताना। पहले मैंने बम को पतला कर लिया बीच से। पतला करने के बाद हमें कुछ नहीं करना है, खाली उसे मोड़ देना है। तो मैंने पहले यहाँ पे दो कार्डबोर्ड के सर्कल कट कर लिया और फिर बम को पतला कर दिया है। पतला करने के बाद उसे बीच में से हल्का सा मोड़ देंगे और मोड़ने के बाद उसे कार्डबोर्ड के एक कॉर्नर में लगा देंगे। तो मैं फटाफट से इसे मोड़ने के बाद एक कॉर्नर में लगा देता हूँ कार्डबोर्ड के। इसी तरीके से दूसरे बम को भी हमें पतला कर लेना है मोड़ने के बाद, और उसे भी हमें लगाना है। लेकिन यहाँ पे हमें एक बात का खास ध्यान रखना है कि जो बॉम्ब है हमारा उसके पीछे हमें छेद करके वहाँ पे हमें दूसरे बॉम्ब का फ्यूज उसके अंदर डालना होगा। मैं आपको दिखा भी दूंगा किस तरीके से। देखिए इस तरीके से एक बॉम्ब के ऊपर दूसरे बॉम्ब का फ्यूज डाला हुआ है। फिर दूसरा कार्डबोर्ड उसके ऊपर चिपका देंगे और एक मेडिसिन का खाली जो है कैप मैंने लिया है और उसे चक्री के ऊपर लगा दिया ताकि हमारी चक्री घूम पाए अच्छी तरीके से, और हमारी चक्री रेडी है। तो आइए इसे भी एक बार टेस्ट कर लेते हैं किस तरीके से वर्क करिए। तो मैंने यहाँ पे चक्री पे आग लगा दी है और आप देख ही सकते हो। वैसे मेरी थोड़ी जमीन खराब थी इसलिए उतनी अच्छी तरीके से वर्क नहीं कर पाई, ऊपर नीचे जमीन थी। आपकी जमीन बढ़िया होगी तो काफी अच्छी तरीके से वर्क करेगी। तो इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक आप और बम की वीडियो देखो, चैनल में अपलोडेड है पहले से।